विशेष रूप से आज अपने बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये बहनें, सच में इनमें गजब की क्षमता है। जितनी तेजी से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, अभी मैं देख के आया, मैं आश्चर्यचकित रह गया, हमारी बहनें अलग अलग सामान बना रही है और वो बिक भी रहा है, अच्छे दामों पर बिक रहा है। मैं सारे शहरी सेल्फ हेल्प ग्रुप को कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, हमारा टारगेट है हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना करना, हर बहन की आमदनी। और इसलिए याजीब कमीशन का शहरों में भी हमने गठन किया है, बहनों को, इस समूहों को हम लोन दिला रहे हैं, ब्याज आधा हम भर रहे हैं, बैंक से लिंकेज करा रहे हैं, उनके बनाए सामान की मार्केटिंग और पैकेजिंग करके वो ठीक से लाभ कमाए, इस बात का इंतजाम कर रहे हैं। और दूसरे जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं, हाथ ठेला में फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, दूसरे छोटे मोटे काम करने वाले, मुझे कहते हुए गर्व है कि सागर ने पीएम स्वनिधि में मध्य प्रदेश में नंबर एक का स्थान प्राप्त किया है, नंबर एक का। 8,000 के आसपास लोगों को पीएम स्वनिधि का लाभ मिल चुका है, 10,000 रुपया उनको अपने काम धंधा चलाने के लिए, पहले 10,000 वापिस कर दिए किस्तों में तो दोबारा फिर 20,000, और 20,000 वापिस कर दिए तो फिर 50,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि गरीब जो हमारा छोटा छोटा दुकानदार है उसके घर में भी समृद्धि आए। सागर को मैं एक टारगेट दे रहा हूं, रोजगार मूलक जितनी भी योजना है, चाहे पीएम स्वनिधि हो, अभी सीएम स्वनिधि पंचायत चुनाव के कारण नहीं चल सकती, लेकिन उसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, मुद्रा योजना हो, ये जितनी भी स्वरोजगार की योजनाएं हैं, सागर में आइडियली इंप्लीमेंट करके सागर के नौजवानों को रोजगार देना है, सागर के छोटे छोटे व्यापारियों को रोजगार देना है।